हेलो सत श्रीकाल जी सारे नु की हाल चाल हो ठीक ठाक सारे ने तो भी अज अपना इतने कंटेनर वाला काम कर जा रहे हैं सवेर के 3 बजे पे है तो आप हमने कंटेनर वर्क कनेडा के कि जोड़ा यह कंटेनर वर्क है ये सीपी तो स्टार्ट करीदा जी तो सीपी तो कंटेनर जाके अज मैं पिकअप करके आनी है तो सब तो पहला मैं अज ना चैसी चकनी है चैसी के उत्ते कंटेनर रख देंगे सो सारा प्रोसैस विखा थो ये होर कामों नो जिम्मे ट्रैकिंग फील्ड के होर कामों नो थोड़ा डिफरेंट काम है की डिफरेंस है ये अच्छ थोड़ू पता लगेगा तो इतने मैं यार्ड चो हमने ट्रक चकिया तो ट्रक चक के आप सीपी जाने ऑलमोस्ट भी एक मेरे यार्ड चो ये 15 मिनटा तक मैं उत्तर पहुँच जाना। हाँ जी आप सीपी आ गए हाँ सामने तुम देख सकते हो सामने सीपी है वो आप उतो एंटर करना इतों आप अपना कंटेनर चकना जी आप पिकअप करके लियानी है खाली कंटेनर है 40 फुटा आप जैसी चकनी है तो 40 फुटा कंटेनर है वो चक के आप पिकअप करके वापस फिर इतने आना सो यदा मैं थोड़ा दिखा इतने अंदर की हिसाब किताब है आप अंदर लैके जाने के ट्रक में हौली हौली जी सीपी जगह ना इतने ऑलवेज ट्रक के तुम जो फ्लैशर है वो ऑन रखने तो हम जो आप एंटर कर रहे हैं आ तुम देख सकते हो आ 4 लाइन पहलियाँ 2 लाइन जो परची नहीं आती जी अखीरलियाँ 2 लाइन परची आँदी सो परची की लोड़ होंगी है जो आप कस्टमर से जाने तो आ हम तीजी लाइन इन्होंने बंद कर रखी है क्योंकि कंप्यूटर खराब होना इन्हों का सिस्टम खराब होना तीजी लाइन वाला तो कल चौथी लाइन ही चलती इन्हों की हम आप अंदर जाने चौथी लाइन से ये जरा टाइम है ना सवेर वाला 3 बजे वाला 3:30 ये ना बंदा सुत्या जा ना जागद हूँ मैं पहुंचना तो उत्थे 9 बजे है 3 घंटे की ड्राइव है तो ओह पर होंदा भी घंटा वध ला के चली दा सीपी दे विच क्योंकि सीपी दे विच बहुत ज्यादा टाइम खराब होंदा बंदे दा भी घंटा तो ला के चलो भी जो तुम प्री लोड करवाना तो लग ही जाता भी कुछ भी हो सकता कई बार ए होंगे प्री लोड 15 मिनटा च हो जाता हूँ प्री लोड भी दसूंगा मैं तुम्हें की होंगे तो कई बार ए होंगे भी प्री लोड से टाइम लग जाता थोड़ा जहा सो उस हिसाब न अपन तुरना पैंता अपन 1 घंटा थोड़ा जहा अगे लैके ही चलना पैंता फोन चला लेना ट्रक खड़ा अपना हूँ मैं ना अपनी आई डी लॉग इन कर लग्या इन्हों का जोड़ा सारा काम है सारा ऑनलाइन आ इन्हों का निका जहा कंप्यूटर लो मित्रों मेरा ना इनगेट नहीं होया क्योंकि मेरी मूव लाई हुई थी वो फिर जो मैं वेख्या मैं यार मेरी मूव ही है नहीं फिर मैं डिस्पैच में कॉल की जो मेरी मूव पाई हुई थी वो फिर मैं प्रॉब्लम एरिए आ गया हूँ मैं दोबारा इनगेट होन लग्या तो वो मूव पा ली है मैं जिते मैं जाना सीगा तो कोई सिस्टम फॉल्ट आ गया होना आपे लैगी नहीं मूव मैं आपकी लॉग इन आई डी भर देनी उरे इनगेट तो भाई आप इनगेट हो गए तो हम आप छेती छेती जाने तो प्री लोड कराने क्योंकि मेरा ऑलरेडी टाइम बहुत खराब हो गया सो वो उत्थे अपना ट्रक खड़ा सो वो बेसिकली प्रॉब्लम एरिया होंगे जिते अपना हम ट्रक खड़ा इन प्रॉब्लम एरिया आ जाता है जो थोड़ा कोई भी प्रॉब्लम है तो इतने जाके खड़ जाओ तो अपन तड़के तड़के प्रॉब्लम आ गई है सो आप ट्रक उत्थे खड़ाता है आज थोड़ा विखाने भी प्री लोड किवें कराई दा इत्थे भी सीपी के अंदर अंदर आ गए आप हम चैसी लभनी है पहले 40 फुट वाली चैसी लभनी है तो उदू बाद वेखना भी सही है कि नहीं तुम विखाने मैं वो सामने चलना इतने आके ट्रेन खड़ा देखो मेरे खब्बे हाथ ट्रेन खड़ी है हम आप कह देना इतना स्टॉप करके जाना मतलब कहने का भाव ट्रैक से आख रहे जड़िया मेरे खब्बे हाथ जशीन खड़ी इन्हों जे कंटेनर है ना चाके चैसिया के धरते हैं जिन्होंने अभी प्री लोड कह दें देखते हैं मैं इतों चैसी मिलती है कि नहीं 40 फुटा चाहिए आप कंटेनर है आप इन्हों के मूहे जहा खड़े हैं सो आ सारे एम टी होंगे आप इतने जो कढ़ा लेंगे
ਰਾਸਤਾ ਉਹਦਾ ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈਸੀ ਤੇ ਧਰ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਸੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਟ ਮੇਰੀ ਐਨਕਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਚੈਸੀ 40 ਫੁੱਟੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 53 ਫੀਟ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 40 ਫੁੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੂ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ ਤੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਖਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰੂ ਉਹਦੇ ਤੋਰਨਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਹ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਆਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੋਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ ਆ ਹੈਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸੀ ਪੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭੂਵਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੂਵਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹ 400 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ
तीन घंटे हो गए तुरे बस मैं अद्धे घंटे च पहुंच जाना ट्रक के साढ़े तीन घंटे ला दिया पहुंचने से गोवासन शहर तो नॉर्थ बे तो थोड़ा जहा पिछे है नॉर्थ बे सारे ने सुने होना तो परे छोटा जहा टाउन है उत्थे मैं लकड़ा चकनी है नंबर का लोड आ जरा वेट हैगा 56,000 पाउंड है सो जे जीबी के लोड होंगे भारे होंगे काफ़ी पहला मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना यार धुंध बाली सी वैदर काफ़ी खराब सी मैं चल कोई नहीं अगर आराम ना ट्रक ले जाने फिर मुड़ के जो धुप्प जी निकले उदो बनावे हूँ देखो अजे धुंध हैगी तो हैगी है पर वैदर फिर भी ठीक है हम विजिबिलिटी थोड़ी जी ज्यादा है पहला विजिबिलिटी जमी है नहीं फिर मैं ता करके वीडियो नहीं बनाई उदो हम मैं अद्धे घंटे जो उत्थे पहुँच जाना तो लोड करा के पेपर वर्क लैके बस उतो तुर पैना फिर आप सी पी द्वारा फिर पहुँच जाएंगे तो उत्थे पहुँच के आज जो ट्रेलर होगा या तो ये कह देंगे भी यार्ड के ड्रॉप कर दो या ये कह देंगे होंगे भी कई बार ए आ जाता जिते कंप्यूटर जहाँ लगे है ना उत्थे ए आ जाता हूँ भी तुम ना रेल ट्रैक से ड्रॉप कर दो तो फिर वो ट्रैक दस देंगे उत्थे जाके आप डब्बे से जो ट्रेन का डब्बा होंगे ना वो मूहरे जाके ड्रॉप कर देंगे तो जिन्हें भी लॉक होंगे ना चैसी के वो आप खोल दे जो लॉक खोल दे फिर आप चले जाइए उतों फिर मशीन वाला जो होंगे वो डब्बे चक के वो ट्रेन के उत्ते धर दिता फिर ये लोड गां एडमिंटन चला जाता अपना जोड़ा ये लोड है एडमिंटन जाना तो ट्रेन फिर सारी एडमिंटन में जाती है फिर उत्थे जाके अनलोडिंग होंगी है फिर मेरे अर्गे ड्राइवर जोड़े उत्थे होंगे वो कंटेनर चैसी से धरा के जिते भी डिलीवरी होंगी उत्थे करे आते हैं सो ए सिस्टम जहा चलता है तो बाकी हम ना वैदर चेंज हो रहा पतझड़ आ रही है तो थोड़े टाइम में जिन्हें भी तुम दरख्त वेख रहे हो ना इन का रंग सारे का चेंज हो जाना हजे तो भी थोड़े थोड़े बच्चे हरे जे है तो मैं लगता 15-10 दिन तक ये सारे रंग बिरंगे हो जाने बहुत सोहना व्यू होंगे इतों भी जो जाने आप बहुत ज्यादा सोहना लगता इधर आसा पासा क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इतने तो करके सारा आला दुआला बहुत ज्यादा सोहना लगता हूँ थोड़ी जी डाउन हिल आ गई है तो भी थोड़ी जी दोस्तों ना काफी भजे भज रहा वो देखो इधर तो ऑलमोस्ट सारी होए पे है सारे रुखा के रंग बदले पे हैं ट्रक की स्पीड थोड़ी होंगी जिनी देर अपना उधरों ना देनी है जिनी देर गड्डी क्रॉस नहीं करती उन्नी देर नहीं लंघना गड्डी हम हाईवे सही है हम आप क्रॉसिंग कर रहे हाईवे ओके सामने नो ट्रक रूट है सो आप राइट मुड़ना यहाँ पूरा चक के मोड़ रहा मैं दोस्तों देखो सुंदरता एक मिनट की दूरी पे है दोस्तों एक मिनट की दूरी तो राइड मारने लोकेशन से आने तो पहले ना मैं ऑलवेज आता रूट बना लेना हूँ क्योंकि कई बार जो गूगल मैप हों और राह ही काट दिता तो ये बहुत ज्यादा ध्यान ना अपने काम करना पैदा जो भी आप कस्टमर से पहुंचना हों उदो आप रूट बना के तुरना पैदा ऑलवेज जो तुम रूट नहीं बनाते कई तो ऐसी जगह होंगे जितों ट्रक कढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता फिर पुलिस कॉल करनी पैंती है तो आह हम घर ही है जिते आप जा रहे हैं आसे पासे गोरियां के घर देख लो
ਆਪਣੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਫੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਲਓ ਬਈ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਕਲੈਟ ਵਾਲਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਡ ਲਓ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਹ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਉਦੋਂ ਫੋਰ ਕਲੈਟ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਕਲੈਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਬਲ ਆ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੋਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਮਗਰਲਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਕਲਾ ਟੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਦੋਸਤੋ ਭਈਆ ਲਾਸਟ ਢੇਰੀ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਨ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੂਵ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਨ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਸੀ ਪੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ 53 ਫੁੱਟ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 53 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਅਰਬੀ ਦੀ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਏਰੀਆ ਨਾ
यहाँ तुम देख रहे हो आला 4 सामने 5 पी गया। सो जो भी असी टैक्सी ड्रॉप करते हैं उदो असी सारे लॉक खोल के जाने हैं क्योंकि ये रेल ते जाना होंदा ता करके फिर ये लॉक खोलने बड़े जरूरी है। खोल के आने दोस्तों बस इन्हों तो बचा के क्योंकि ये निरा लोहा ताई हैट ते अपना ऐनक लाइया ते वो पाए हुए इधर लॉक खोल देना इदा घुमा के लो भाई हम लॉक खुल गए ते हुण आ जिहड़ा तुसीं देख रहे हो मेरे मगर ये जिहड़ा कंटेनर है वह ट्रेन के उत्ते लदा जाना तो ट्रेन आपे नूं लै जूगी जिहड़ी जगह जाना ने ते हुण आपां इक होर प्री लोड करवाउणा वो होम डिपू छड्ड के आना फिर उत्थों ट्रेलर इत्थे ड्रॉप करना फिर मैनूं लगदा आपां डन नहीं हां। चलो आ जाओ चलदे हां। लो भी मित्रों टैक्सी आपां लभ ली है ते इहदे ना ऐप हुंदी जिथे मैं लॉगिन करदा सीपी दे विच उत्थे जाके लॉगिन कीती सीगी वो देखनी पैंदी है वी टैक्सी बैड ऑर्डर तां नहीं गी वो जे बैड ऑर्डर नहीं होंगी अवेलेबल फॉर पिकअप होंगी है फिर ही आपू हॉक कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते। सो आह टैक्सी है सामने तुम देख सकते हो। सो आप पी टी आई कर लेनी है भी ठीक है कंटेनर तरह आते लैक हैगी है कि नहीं आप अज यह टेंडम चक रहे हैं टेंडम इस करके चक रहे हैं क्योंकि वेट जोड़ा है 19,000 LB है। सो वो टेंडम सही रेंदे जो वेट थोड़ा ज़्यादा हैवी हो फिर आपां नूं ट्राई एक्सल लैनी पैंदी है ते इक आ जैसी ते लॉक हुंदे आ ना जदों आपां प्री लोड कराउणे हुंदे आ सो आ लॉक ऑलवेज वेखणे पैंदे आ वी लॉक खुले है कि नहीं मैं तारां तुराईआं ला लां दोस्तों सामने देखो आ ट्रक का भी प्री लोड हो रहा तो वह था देखो जी कंटेनर मित्रों प्री लोड करा लिया अपना तो आप हम लॉग ला के इनू ड्रॉप करना होम डिपू च एक होर ट्रेलर चकना वो इतने ड्रॉप करना। सो काम थोड़ा जहा खिचवा होंगे जो तुम टाइम खराब करोगे उदा फायदा नहीं कोई है ना। अभी लॉक लग गया इधरला लॉक रह गया ये भी ला देना फिर आप खेच देना मीटर फिर उस बाद अपन छुट्टी भाई दी लत टुट्टी मित्रों ट्रक पकड़ा था उन्हें इतने काम पर डन करता। सो उम्मीद कर रहा थोड़ा मेरी वीडियो वधिया लगी होगी जो वधिया लगी लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दो ते अगे होर भी इदा के ट्रैकिंग व्लॉग्स आवणगे होर भी की रोज ही आवणगे। सो चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दो ते वीडियो नूं दब के शेयर कर दो सपोर्ट मिलती है ना बंदे नूं। ओके जी धन्यवाद सारिआं दा बाय बाय।